उदाहरण 11, आकृति में कोण सी ए बी 25 अंश और कोण ए डी बी 35 अंश है, तब कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ आकृति में कोण ए डी बी और कोण ए सी बी, ये दोनों कोण जो है एक ही वृत्ताखंड के कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये हमारे पास है एक ही वृत्त, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है ये। इसीलिए कोण ए सी बी बराबर 35 अंश जो कि दिया हुआ है हमारे पास, ए डी बी 35 अंश है तो ए सी बी भी 35 अंश होगा। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसे लेंगे कोण ए बी सी धन कोण ए सी बी धन धन कोण सी ए बी, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। यहाँ पे हम कोण ए बी सी धन कोण ए सी बी जो है हमारा 35 अंश है, धन कोण सी ए बी हमारा 25 अंश है, बराबर 180 अंश। इस तरह से कोण ए बी सी धन 35 अंश धन 25 अंश बराबर 60 अंश, 60 अंश बराबर 180 अंश, या कोण ए बी सी बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश। इस तरह से कोण ए बी सी हमने ज्ञात किया 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर 120 अंश। इस तरह से हमने ज्ञात किया कोण ए सी बी बराबर 120 अंश। यह इस उदाहरण का हल होगा।